दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टील गर्डर्स के बारे में, स्टील गर्डर्स को कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपका दोस्त कोई सिविल इंजीनियर है और आप अगर सिविल इंजीनियर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में भी जान लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट शिवांश, और आप देख रहे हैं चैनल सिविल एक्सपर्ट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टील गर्डर का यूज़ काफ़ी जगह किया जाता है। हमारे केस में हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों हमारी बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है। पुराना कंस्ट्रक्शन होने के कारण इस पे कोई भी बीम नहीं है और कोई भी कॉलम नहीं है। बीम और कॉलम ना होने के कारण हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम सेकंड फ्लोर पे हैं तो सेकंड फ्लोर के ऊपर हम थर्ड फ्लोर बनाना चाहें तो थर्ड फ्लोर हम नहीं बना सकते। और जो भी घर का रेनोवेशन होता है और कस्टमाइजेशन होता है, जैसे कि हम रूम को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना चाहें वॉल को अलग करके, तो वो भी हम नहीं कर सकते दोस्तों पुराने घर के कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि पुराने घर के जो कंस्ट्रक्शन किए जाते थे वो दोस्तों पूरे के पूरे वॉल टू वॉल चलते थे, वॉल के ऊपर ही वॉल आती थी, लोड बेयरिंग वॉल के ऊपर कंस्ट्रक्शन होते थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे स्टील गर्डर का यूज़ किया जाता है और स्टील गर्डर को यूज़ करके इस पूरी बिल्डिंग को हम सपोर्ट दे देते हैं, और सपोर्ट देने के बाद हम जहाँ पर भी कस्टमाइजेशन करना चाहें वहाँ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें पूरी स्ट्रेंथ आ जाती है। दोस्तों, आइए समझते हैं स्टील गर्डर को लगाने का सही प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताते जाऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आता है मार्किंग। सबसे पहले मार्किंग करनी होती है, जहाँ जहाँ पर स्टील गर्डर को आपको लगवाना हो वहाँ पे आपको सबसे पहले मार्क कर देना है। सभी जगह की मार्किंग कर देने के बाद आपको वहाँ पे गड्ढा करवाना है। जहाँ जहाँ पर भी स्टील गर्डर आना है उसके नीचे आपको गड्ढा करवा लेना है। गड्ढा का जो साइज होगा दोस्तों वो होगा हमारा 2.5 फीट गहरा और 2.5 फीट चौड़ा। जो उसका डायमीटर होगा गड्ढे का वो 2.5 फीट रहेगा, और जो उसकी गहराई होगी वो भी 2.5 फीट ही रहेगी। दोस्तों, जहाँ जहाँ पर भी स्टील गर्डर आने हैं वहाँ पे आपको नीचे गड्ढे करवा लेने हैं। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। बात करते हैं दोस्तों थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में आपको PCC करानी होती है। 3 से 4 इंच थिकनेस की आपको PCC करानी है। सबसे पहले जितने भी गड्ढे हुए हैं गड्ढे के अंदर PCC करवाने के बाद उसके अंदर रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है। रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि वो जो हमारा गर्डर है वो लोड के कारण नीचे हमारी सॉइल पर अंदर धंस ना जाए, पूरा का पूरा लोड वो ट्रांसफ़र कर दे अच्छे से, और कहीं पे भी कोई भी सेटलमेंट ना आए। इसलिए दोस्तों हम ये रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रीइन्फोर्समेंट का दोस्तों इस टाइप से प्रोवाइड किया जाता है, लगभग 3 इंच के हमें L देने होते हैं। अगर दोस्तों आपको L के बारे में जानकारी नहीं है, जो बार में L लगाया जाता है उसको डेवलपमेंट लेंथ कहा जाता है। अगर डेवलपमेंट लेंथ के बारे में आपको जानना हो तो आई बटन पर उसकी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पूरा की पूरी जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो पर आते हैं। इस रीइन्फोर्समेंट को गड्ढे के अंदर डालकर कॉन्क्रीटिंग कर दी जाती है। कॉन्क्रीटिंग हो जाने के बाद नीचे हमारा सॉलिड बेस तैयार हो जाता है, जो कि कहीं पर भी सेटलमेंट नहीं देता है। दोस्तों, बेस को रेडी कर लेने के बाद सबसे पहले प्लेट रखी जाती है। स्टील की प्लेट होती है दोस्तों, स्टील की प्लेट के ऊपर ही गर्डर को स्टैंड करवाया जाता है। पूरा का पूरा जो लोड होता है वो हमारा इस प्लेट के ऊपर आता है, और प्लेट के ऊपर लोड आने के बाद वो सीधा के सीधा नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट काम करता है, और इसी प्रकार से पूरा गर्डर को रेडी कर दिया जाता है। एक बार पूरा का पूरा प्लेट के ऊपर गर्डर खड़े हो जाए अच्छे से, उसका साहुल चेक करना होता है। साहुल को प्रोफेशनल लैंग्वेज में प्लंब ऑफ कहा जाता है। प्लंब ऑफ की हेल्प से चेक किया जाता है कि गर्डर वर्टिकली स्ट्रेट है कि नहीं। प्लंब ऑफ के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, गर्डर का मेन काम होता है बीम और कॉलम को रिप्लेस करना। गर्डर डाल लेने के बाद बीम और कॉलम की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, पूरा का पूरा जो लोड है वो इन गर्डर के ऊपर आ जाता है और ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है अर्थ पर। तो दोस्तों, ये तो था प्रोसीजर के कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे लगाया जाता है गर्डर को। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि क्या इसके रेट्स रहते हैं और क्या इसके साइजेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। दोस्तों, बात करें इसके साइजेस की, तो बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि दोस्तों, कुछ कॉमन में हम बात करें तो 8 इंच बाय 4 इंच और 10 इंच बाय 4 इंच
6 इंच बाय 4 इंच, ये सब दोस्तों नॉर्मल है, ये हमेशा यहाँ पे यूज़ होते रहते हैं। जैसे कि आपको कभी घर में गर्डर का यूज़ करवाना हो तो दोस्तों आप इन्हीं का यूज़ करवाते हैं। जैसे 4 इंच बाय 8 इंच का यूज़ करवाया जाता है मेनली हर ही जगह पे जहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन हो और उसका रिनोवेशन करवाया जा रहा हो, तो इन्हीं गर्डर का आपको यूज़ करवाना होता है। दोस्तों बात करें इसके रेट की, तो रेट जो है दोस्तों वो वेरी कर सकता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट हो सकते हैं। दोस्तों मैं एमपी की बताता हूँ आपको, एमपी पे जो रेट है वो लगभग 75-80 रुपीज़ पर केजी है दोस्तों। अब कितने केजी आपको लग रहा है उस हिसाब से आप एस्टीमेट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यही रेट रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कहीं पर भी, पर मैक्सिमम आप लेके चलो तो 75 से लेकर के 85 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको स्टील गर्डर मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों इसके इंस्टॉलेशन चार्ज के बारे में बात करें कि जो लगाने वाले होते हैं, जो लेबर होती है, वो इसमें कितनी लग जाती है, कितना क्या चार्ज लेती है, तो लगभग 25 से लेकर के 35 के बीच में आपको लग जाएगा दोस्तों पर केजी, 25 रुपीज़ टू 35 रुपीज़ पर केजी आपको लग जाएगा दोस्तों लेबर पे भी। इन पर जितने भी लेबर लगेंगे वो इसी रेट पर आपको मिलेगी दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये थी हमारी वीडियो स्टील गर्डर के लिए। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप सिविल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।